धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदा। मेरा बदसा दुनिया के नूर खुदा प्रभु यीशु मसीह, यीशु नासरी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं होली स्पिरिट पवित्र आत्मा, आपकी महिमा करते हैं मेरा अब्बा, रहमत और जलाल के बदसा आपका आदर और सम्मान करते हैं, क्योंकि आप पे एक और नए दिन हमें दिए हैं। हाँ सच में प्रभु, आप ही की इच्छा चाहत मर्जी से आज के दिन में हम आ पाए हैं। आप ही ने प्रभु आज के दिन को हमारे जीवन में जोड़े हैं प्रभु जी। तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराइयों से, लाखों लाख, कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ों आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके दिए हुए इस सुंदर सुबह के वक्त, इस सुनहरा अवसर में, पावन बेला में आपके पावन पवित्र चरणों के निकट घुटने पे आते हैं और उन लोगों को भी लाते हैं जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। होने दे प्रभु, जितने बच्चे, जितने नौजवान, जितने बड़े बुजुर्ग, हाँ प्रभु जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हे प्रभु वो सब अपने निकट, हाँ अपने पास, करीब, नज़दीक, अपने समीप पे आपकी उपस्थिति को फील करें। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। प्रभु का वचन क्या बोलता है? जहाँ दो और तीन लोग प्रभु के नाम पर इकट्ठे होते हैं, प्रभु की उपस्थिति उनके मध्य में, उनके बीच में होती है। आप जहाँ से भी इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, विश्वास कीजिए प्रभु आपके निकट है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और जो चाहिए मांगिए, प्रभु देगा। हालेलुया, जो समस्याएं आपके जीवन में है, जो परेशानी आपके जीवन में है, जो दुख, दर्द, तकलीफ, कलेश, विपत्तियां आपके जीवन में है, प्रार्थना कीजिए प्रभु से, प्रभु उससे आपको स्वतंत्र करेगा। आप डिप्रेशन, किसी बात को लेकर आप चिंतित हैं, प्रार्थना कीजिए, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो लॉर्ड जीसस, आपकी तारीफ हो प्रभु, आपकी बड़ाई हो लॉर्ड जीसस। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। होने दे खुदा, आज की भोर में आपका बाट जो होते हैं हमें नई बल से भर दे, नई ताकत से, सामर्थ्य से भर दीजिए खुदा। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो, विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण कीजिए। विश्वास से आप प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, प्रार्थना आपके लिए पावरफुल होगा, शक्तिशाली होगा, सामर्थी होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो प्रार्थना आपके जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, सहायता कर प्रभु, जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं हे प्रभु जी, उन सबों के लिए ये प्रार्थना पावरफुल होने पर, शक्तिशाली, सामर्थी बनने पर सहायता कर। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड जीसस, हमारे मुख से निकलने वाले वचन को तू ही पावरफुल बनाने वाला खुदा है प्रभु। अनुग्रह कर प्रभु, दया कर खुदा। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी महिमा, प्रशंसा हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते हैं इस सुनासरी, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदा, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा हो प्रभु। प्रभु सबसे पहले उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त दर्द में, पीड़ा में, डिप्रेशन में,
चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, डरे हुए, भयभीत हैं, शैतान के हाथ में हैं, किसी भी रोग बीमारी से पीड़ित हैं, किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। प्रभु तू उन सबों की शुद्धि ले ताकि वह सब स्वतंत्र हो जाए, हाँ सारे समस्याओं में से बाहर निकल जाए, संकट नमक महासागर से बाहर निकल जाए, सकेती से प्रभु जी सब उद्धार पाए, छुटकारा पाए। स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते हैं आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो, सहायता कर खुदावन, सबों के दुख दर्द पीड़ा को दूर कर दे, चिंता को प्रभु दूर कर दे, डिप्रेशन को खत्म कर खुदा धन्यवाद देते हैं। प्रभु अनुग्रह का जो किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, हे प्रभु उसमें से बाहर निकलने के लिए उनका तू गाइड कर, अगुवाई कर प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी स्तुति में प्रभु। प्रभु जी आज का दिन आपने प्रभु हमें दिए हैं तो होने दीजिए प्रभु, आज के दिन में आप हम सबों का अगुवाई कीजिए प्रभु जी, हमारे कामों में हमारा गाइड करना, कार्यों में आशीष देना प्रभु जी, ताकि हम उसमें सफलता को प्राप्त करें। होने दीजिए प्रभु खतरा दुर्घटना एक्सीडेंट से बचाना, सारी दिक्कत परेशानी से बचाना, शत्रु शैतान से बचाना, गलत संगति गलत आदत से बचाना, जो रोज डेली प्रतिदिन दारू पीते हैं, हे प्रभु जी अनुग्रह कर उनको तू छू ले ताकि प्रभु जी उनका नशा छूटने पाए। जो बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू अनेक प्रकार के नशा का सेवन करते हैं, जो सांसारिक सॉन्ग सुनते हैं स्वर्गीय पिता, मूवी देखते हैं स्वर्गीय पिता, गलत पिक्चर देखते हैं, जुआ खेलते हैं प्रभु जी, गेम खेलते हैं प्रभु, वो सब महान परमेश्वर चेंज होने पर बदल जाए, वो सब प्रभु जी शुद्धता और पवित्रता की जीवन जिए, आपके भय में अपने जीवन को बिताए, आपके वचन के अनुसार ही चले। स्वर्गीय पिता सहायता कर, वही करे जो आपको अच्छा लगता है, आपको भाता है, सहायता कर खुदा। प्रभु जिनके परिवार में शांति नहीं है स्वर्गीय पिता, प्रेम नहीं है, एकता नहीं है प्रभु, उनके परिवार में तू प्रेम दे, एकता दे, शांति दे प्रभु जी, मेल मिलाप की आत्मा दे प्रभु जी। जिनके अंदर अपने परिवारों के प्रति नफरत है, क्रोध है प्रभु जी, प्रभु जी उस नफरत क्रोध को उनके अंदर से निकाल दे स्वर्गीय पिता। बिखरे हुए परिवार को फिर से समेट ले, टूटे हुए रिश्ता को फिर से जोड़ दे प्रभु। वैवाहिक जीवन में जितने भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व होने पाए, सहायता कर स्वर्गीय पिता की स्तुति हो। सारे समस्याओं से छुटकारा दीजिए, दिक्कत परेशानी से प्रभु जी छुटकारा दीजिए। धन्यवाद यीशु, सहायता कर, मदद कर महान परमेश्वर, धन्यवाद देते मेरे प्रियो। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, आइए हम देखेंगे कि आज के दिन प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें क्या सिखाता है। जिस वचन को हम पढ़ने वाले हैं प्रभु के दिए हुए इस सुनहरा अवसर में, आज के सुंदर बेला में हम जिस वचन के ऊपर मनन करने वाले हैं वो वचन है मेरे प्रियो इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय के उसका 26 पद। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, इसमें प्रभु क्या बोलता है। इसमें प्रभु को क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। 27 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें बोलता है न शैतान को अवसर दो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, कोई गलती करता है तो गुस्सा तो आता है, पर प्रभु सिखाता है कि तुम्हारा गुस्सा ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा समय तक, ज़्यादा घड़ी, ज़्यादा पल तक नहीं रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, शैतान को अवसर मिल जाएगा हावी होने के लिए, वो हावी हो जाएगा, और जब वो हावी हो जाएगा तो हमसे पाप हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और यही तो नहीं करना है, जब पाप करने लगेंगे, हालेलुया, तो पाप के स्वामी कौन है, शैतान, शैतान के हाथ में चले जाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, प्रार्थना करना है, हाँ प्रभु के वचन में अपने मन को लगाना है। हालेलुया, जब आप अपने जीवन को प्रार्थना का और वचन का बनाएंगे शैतान के ऊपर और शैतान के हर एक चाल के ऊपर, आप जीतेंगे, जय पाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो।
आपकी महिमा हो लॉर्ड जीसस धन्यवाद देते मेरे प्रियो। जब आप पे 32 पद के वचन को पढ़ेंगे उसी अध्याय के यानी कि इफिसियों 4 अध्याय के 32 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, एक दूसरे पर कृपयालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। जैसे प्रभु हमारे अपराधों को, हमारे पापों को, गुनाहों को, गलतियों को क्षमा किया और अपने प्रेम में रखा है, अपने अनुग्रह में चला रहा है, वैसे ही क्या करना है हमें, दूसरे के लिए भी उन्नति का कारण ठहरना है, आशीष का कारण ठहरना है, उनके पापों को क्षमा करके। हालेलुया। प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु के प्रेम में लाना है, प्रभु के हमें बेटा बेटी बनना है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो लॉर्ड जीसस। मेरे प्रियो, शैतान को अवसर मत दीजिए, ज़्यादा देर तक गुस्सा रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, शैतान को अवसर मिलता है हावी होने के लिए, अटैक करने के लिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब आप पे 28 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, कोई गंदी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम होता है, कि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। 30 और 31 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें प्रभु बोलता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब भेदभाव समेत तुमसे दूर की जाए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। इससे क्या होगा, इससे प्रभु के संतान आप ठहरेंगे। हालेलुया। और शैतान को भी कभी अवसर नहीं मिलेगा आपके ऊपर अटैक करने के लिए, हावी होने के लिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। चोरी नहीं करना है, गंदी बात, गलत बात, पाप की बात, दुष्टता की बात अपने मुंह से नहीं निकलना है। हालेलुया। ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। किसी से बैर नहीं रखना। हालेलुया। ये सब शैतान की चाल है। हालेलुया। ये सब शैतान की ओर से है। हालेलुया। शैतान करवाता है कि हम उसके हाथों में चले जाएं। जब आप पे प्रभु के वचन को सुनकर उस वचन को अपने जीवन में लागू करोगे, यानी कि जैसा प्रभु का वचन बोलता है करने के लिए वैसा ही करोगे, तो कभी शैतान को अवसर नहीं मिलेगा कि वो आपके ऊपर अटैक कर सके, हावी हो सके। और जब वो आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा, हावी नहीं होगा, तो आपसे कोई पाप नहीं होगा, कोई दुष्टता की काम नहीं होगा, और आप पे प्रभु को हमेशा भाएंगे, और जब चाहेंगे जो चाहेंगे आपको मिलेगा, जब चाहेंगे प्रभु को अपने निकट पाएंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। जो प्रभु को भाता है ना, प्रभु उनकी ही सुनते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो लॉर्ड जीसस। सहायता कीजिए प्रभु जी। आज की प्रार्थना और वचन सब सुनने वालों के जीवन में काम करने पाए। प्रभु अनुग्रह का सब शैतानी अटैक से स्वतंत्र रहे, ताकि प्रभु जी आपको भाए, हाँ सब आपको भाए, और प्रभु जी आपके रहे, सदा के लिए प्रभु जी आपके रहे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। सहायता मदद गाइड कर दीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए प्रभु, दया कर दीजिए प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, सबों के परिस्थिति हालातों को बदल दीजिए प्रभु जी। जो ज़्यादा क्रोध करने वाले, गुस्सा करने वाले हैं,
प्रभु जी उनको तू छू और शांति की आत्मा दे। धन्यवाद देते नर्म बना प्रभु, धन्यवाद करते जो कठोर मन वाले उनके मन को कोमल कर दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो। जो गलत मार्गों पर है वहाँ से तू उनको फेर दे प्रभु। अनुग्रह कर स्वर्गीय पिता, जिनको गलत लत लग चुका है प्रभु, नशे की लत, गाली देने की लत, मारपीट करने की लत, प्रभु जी अनुग्रह की से प्रभु जी। ज़्यादा मूवी देखने का लत, सांसारिक सॉन्ग सुनने का लत, हे प्रभु उनको तू छू ले ताकि वो भी चेंज होने पाए। सहायता कर खुदा, धन्यवाद देते सबों का जीवन प्रभु, बदल जाए यीशु के नाम में, बदल जाए प्रभु। अनुग्रह कर सबों के जीवन में सब कुछ सही हो जाए, जैसा आप चाहते हैं वैसा हो जाए। सहायता कीजिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं ताकि सबों के जीवन से आपकी स्तुति हो। हाँ प्रभु आपकी स्तुति हो, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु। सबों की परेशानी को दूर कर दीजिए, सबों की दिक्कत परेशानी को खत्म कर दीजिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। सब कुछ सबों के जीवन में ठीक कर दीजिए, सही कर दीजिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा हो प्रभु। आज के दिन जिनको जो कुछ चाहिए प्रभु आप देने की कृपा करें। जितने बच्चे नौजवान बड़े बुजुर्ग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं और प्रभु जी आज के दिन आपसे जो कुछ भी चाहते हैं आप उनको दीजिए, उनके लिए वो कीजिए स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन हमें दिए हैं, सबों की दिव्य प्रार्थना निवेदन आपके हजूरी में रखते हैं। हे प्रभु अनुग्रह कीजिए स्वर्गीय पिता, सबों के दिए हुए प्रार्थना निवेदन के ऊपर आप दृष्टि कीजिए ताकि उसका उत्तर सबों को। हाँ जिनको सर्दी है, जुकाम है प्रभु, बुखार है प्रभु, हाँफी है, दामा है प्रभु जी, जिनको बाबा सिर की बीमारी है स्वर्गीय पिता, जिनको ज्वाइंटिस हुआ है, जिनके बॉडी में सफ़ेद दग धब्बे हैं, जिनको हथिया पाँव है, जो लकवे की बीमारी है स्वर्गीय पिता, जिनके आँखों से पानी गिरता है, आँखों में जलन रहता है, हाथ पैर में प्रभु जी लहर रहते हैं, जलन रहते हैं स्वर्गीय पिता, जिनके बॉडी में सूजन रहता है, जिनके मसूड़े में दर्द सूजन है स्वर्गीय पिता, जिनको शुगर है, थायराइड है, पीपी है, हार्ट की बीमारी, कैंसर है, फेस एलर्जी, पिंपल, स्किन प्रॉब्लम है प्रभु, जिनके कानों में सनसनाहट है प्रभु जी, जिनके मुँह से ब्लड आता है स्वर्गीय पिता, नाकों से ब्लड आता है स्वर्गीय पिता, जिनके आँखों में मोतियाबिंद की बीमारी है, जिनके गले में कोई प्रॉब्लम है स्वर्गीय पिता, जिनके आंत में हड्डियों में स्वर्गीय पिता, किडनी में प्रभु इन्फेक्शन है प्रभु जी, पेट में दर्द रहता है, कमर में, घुटनों में, जोड़ों में दर्द रहता है, हे प्रभु तू उनको छू ले ताकि वो चंगाई को पाने पाए। सहायता कर खुदा, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपकी तारीफ हो प्रभु, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो जाए, आपकी महिमा प्रशंसा हो जाए प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। सहायता कीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए प्रभु, धन्यवाद कि आप पे हमारे छोटी सी विनती प्रार्थनाओं को सुने और ग्रहण भी किए प्रभु जी, और उत्तर हाँ आमीन में दिए प्रभु। तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। होने दे प्रभु, जितने इस प्रार्थना में शामिल हैं, उपस्थित हैं, हमारे साथ आपको पुकार रहे हैं, आपको आवाज़ दे रहे हैं, आपसे प्रार्थना विनती दुआ याचना कर रहे हैं, विश्वास के साथ है, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं स्वर्गीय पिता, सुन रहे हैं स्वर्गीय पिता, हे प्रभु जी उन सबों के मनोकामना को आप पूरा कर दीजिए, उन सबों के परिस्थिति को ठीक कर दीजिए, हालातों को ठीक कर दीजिए महान परमेश्वर। वो सब आपसे जो कुछ भी चाहते हैं प्रभु जी आप दीजिए महान परमेश्वर, सबों के सर पर आपकी पहरा रहे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं। सरादर महिमा और समान कर आपको मिले प्रभु जी, प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आमीन 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 लॉर्ड जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, रोज डेली हाँ प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए, प्रार्थना में शामिल हुई और प्रार्थना को शेयर भी करना। हाँ ऐसा करने से आप प्रभु के पनाह में रहेंगे और जब चाहेंगे जो चाहेंगे पाएंगे। मेरे प्रियो, आज शाम 4 बजे की प्रार्थना में जरूर शामिल होना और जितना ज़्यादा हो सके प्रार्थना को जरूर शेयर करना। सच में प्रभु आपको बहुतायत का जीवन और बहुतायत की आशीषें देगा। और मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत है, तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो
तो कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते हैं, पढ़ते हैं और आपकी दिव्य प्रार्थना निवेदन प्रभु के हजूरी में रखकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, खुद प्रभु बोला है। अगर आपका विश्वास है कि आपके दिए हुए प्रार्थना निवेदन के ऊपर प्रभु दृष्टि करेगा और उसका उत्तर आपको देगा, तो सच में आप पे उसका उत्तर प्रभु की ओर से हाँ आमीन में आते हुए, अपने जीवन में आते हुए देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु पर भरोसा रखो, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा, सब कुछ देगा, जीवन के हर एक मोड़ पर आपको संभालेगा, हर एक तरह से आपकी सहायता मदद गाइड करेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। गुड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।